नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की बड़ी खबर में। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर सत्ता पक्ष यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच राजनीतिक घमासान दिखता नजर आ रहा है। दोनों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, लेकिन इस बीच ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर किस तरह से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने मोदी सरकार का काला चिट्ठा खोल दिया। जी हाँ, दरअसल भूपेश बघेल ने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है वो मामला इतना बड़ा भी नहीं है जिसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है। मौजूदा समय में ये देखा जा रहा है कि पीएम मोदी की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको देखते हुए बीजेपी के नेताओं ने सीधे तौर पर कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। लेकिन अभी हाल ही में जब जनता से इस मामले पर सवाल पूछा गया, जनता से सर्वे कराया गया, तो 70-80% जनता ये कहती नजर आई कि ये सीधे तौर पर पीएम मोदी का सियासी ड्रामा है। और भूपेश बघेल ने भी यही बताया कि पीएम मोदी का ये सियासी ड्रामा है और अब ये समझ जाना चाहिए कि बीजेपी के पास कोई ज्यादा मुद्दे नहीं बचे हैं, इसीलिए इस तरह के सियासी ड्रामे करके वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि पीएम मोदी के इस सियासी ड्रामे का असर जनता पर कितना पड़ता है और क्या जनता बीजेपी को बड़े स्तर पर वोट करती है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए। नमस्कार।